खुद के जैसी मैं भी बन के दिखा दूं तुम्हें, पहले मुझे चार पति और दिलवाई। मैं सनातन को गाने वाले कवि कमल सक्सेना जी को बुलाता हूँ, जो 5 मिनट आपके बीच रहेंगे, आप लोगों का मन, आप लोगों का प्रेम मिले। मैं इन 4 पंक्तियों के साथ आदरणीय कमल सक्सेना जी को बुलाता हूँ कि आए हैं तो काटेंगे एक रात तुम्हारी बस्ती में। आत्म प्रकाश शुक्ल जी की इन पंक्तियों के साथ कि आए हैं तो काटेंगे एक रात तुम्हारी बस्ती में, चाहोगे तो कर लेंगे वो बात तुम्हारी बस्ती में, मन के सोने आंगन में जो घटा बन जाओ, कर देंगे गीतों की बरसात तुम्हारी बस्ती में। जोरदार तानिया कमल सक्सेना जी, स्वागत है भाई। पटेल साहब, हाँ, मैं बिजनौर गया और मैंने 4 पंक्ति बहुत अच्छी पढ़ी, लेकिन एक भी ताली नहीं बजी। मैंने फिर 4 पंक्ति पढ़ी, एक भी ताली नहीं बजी, तो जैसे भाई निर्भया बैठ के मैं भी बैठ गया। लोग बोले साहब वंस मोर, मैं भी ताली बजने रही है, चक्कर क्या है ये? तो एक श्रोता उठा, उसने मुझे पर्ची पे लिख के दिया, वो मैं आपको पढ़कर सुना रहा हूं। आपके लिए नहीं है, बिजनौर के लिए है कि कवि सम्मेलन में मैंने कविता का पाठ किया, मगर एक श्रोता ने भी ताली ना बजाई है। मैंने कहा लगता है आज तो ए दोस्त मेरे, तुम्हें मेरी कविता पसंद नहीं आई है। तभी लोग बोले मित्र तालियां बजाएं कैसे, अपनी तो जान बड़ी मुसीबत में आई है, जेब कतरों ने कवि सम्मेलन कराया है ये, हमने अपने अपनी जेब मुट्ठी में दबाई है। क्या बात है, 4 पंक्तियां और पढ़ दूं? देखिए आप, एक श्रीमान अपनी श्रीमती जी से बोले, मेरी प्यारी रानी एक बात तो बताइए, पड़ोसी के टीवी पे 6 महीने महाभारत देखा, उससे जो है सीखा कभी करके भी दिखाइए। श्रीमती कहने लगी अगर ऐसी बात है तो, हो सके तो पिया मुझे अभी आजमाइए, द्रौपदी के जैसी मैं भी बन के दिखा दूं तुम्हें, पहले मुझे 4 पति और दिलवाइए। और मित्रों 4 पंक्तियां फिर और सुन लीजिए। एक बार थाने में चोरी हो गई, सारा शहर पकड़ लिया, लेकिन किसी ने नहीं कबूला कि मैंने चोरी करी है। आखिर आप जानते हैं, आपके सीओ साहब आए, बोले इसे मेरे पास लाओ, और सीओ साहब ने उस मुजरिम को पकड़ा और रात भर कमरे में बंद कर लिया। सुबह कहा माई बाप मैंने चोरी करी है। अब पंक्तियां देखें आप, स्वागत है कि एक दरोगा जी सीओ साहब से यूं कहने लगे, आदरणीय सीओ साहब आपको बधाई है, जिससे विभाग सारा पूछताछ करके हारा, ऐसे मुजरिम ने तुम्हें सच्चाई बताई है, हमें ये खुशी है मगर इतना बता दो हमें, पूछताछ करने की क्या विधि अपनाई है। सीओ साहब कहने लगे किसी को बताना नहीं, मैंने इसे सारी रात कविता सुनाई है। और अंतिम 4 पंक्तियां, क्योंकि समय बहुत कम हो चुका है, गीत पढ़ने का मौका नहीं है ना, गीत पढ़ेंगे आखिर। हाँ, 2 पंक्ति। एक जेल में, आप लोगों ने बहुतों में से जेल देखी होगी, और हमारे दरोगा जी तो अक्सर देखते रहते हैं।
एक नियम होता है कि जो कैदी सेवा करता है या अच्छा आचरण होता है तो उसको वो वक्त से पहले छोड़ देते हैं। हाँ। तो ऐसे ही जेलर साहब ने एक डीओ लिखा और एक कैदी को एक साल पहले छोड़ दिया गया। तो मेरे मित्र थे वो जेलर साहब, मैं उनसे मिलने गया तो उसकी पार्टी चल रही थी। तो आप देखिए पार्टी में क्या होता, एक गरीब आदमी जैसे हमारे चाचा जो आशीर्वाद बांट रहे थे, एक गरीब आदमी कैसे आशीर्वाद देता है। स्वागत। एक बूढ़ा कैदी जेलर साहब से यूं कहने लगा, आदरणीय जेलर साहब आपको बधाई है। एक बूढ़ा कैदी जेलर साहब से यू कहने लगा, तेरी खुशियों के गीत सारे दिन गाऊंगा, मेरे साथ आपने जो सच्चा व्यवहार किया उसकी खुशी मैं सारी दुनिया को बताऊंगा। मैं हूँ एक गरीब प्राणी मगर स्वाभिमानी हूँ मैं, आपका ये एहसान एक दिन चुकाऊंगा। बरेली के शमशानों में चिताएं जलाता हूँ मैं, आपकी चिता में बिना पैसे के जलाऊंगा।